दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुकी है और टीम इंडिया ने अपना पहला और इकलौता वार्म अप मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पे उसको जीत नहीं एक बड़ी जीत मिली, जिससे क्लियर हो चुका है कि इंडियन टीम की जो तैयारियां है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले एकदम राइट ट्रैक पे है। क्योंकि आपने न्यूयॉर्क की ऐसी विकेट पे खेली है जहां पे गेंद रुक रुक कर आ रही थी, वहां पे बड़ा स्कोर बनाया और फिर एक तरफा मुकाबले में बांग्लादेश को बड़े ही आसानी से हरा दिया। लेकिन उसी के साथ वार्म अप मैच में 3 बल्लेबाज पास और 3 बल्लेबाज हुए फेल। तो वार्म अप मैच अब खत्म हो चुका है, इंडियन टीम जीत गई है और इसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड सामने आई है उसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच में इंडिया के कौन से 3 बल्लेबाज पास हुए और कौन से 3 बल्लेबाज फेल हुए। तो आपको सिक्वेंस वाइज पूरी कहानी बताते हैं। तो देखिए, इंडियन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182 रन बनाए, विकेट मुश्किल थी, बॉल रुक रुक करा रही थी, लेकिन उसके बावजूद आपने 120 गेंदों पर 182 रन बना डाले। धीमी शुरुआत के बाद तूफानी फिनिश। अगर हम बात करें टीम इंडिया की शुरुआत की, तो संजू सैमसन और रोहित शर्मा के साथ शुरुआत की और इंडियन टीम का जो शुरुआती थी वो धीमी रही, लेकिन अंत में जो अंजाम तक पहुंचे वो तूफानी अंदाज में पहुंचे। पारी में कुल 10 सिक्स और 12 चौके लगे, यानी कि जो पारी में 22 गेंदे बाउंड्री के पार भेजी उनमें 10 सिक्स लगे, यानी कि 60 रन यहां से बन गए, 12 चौके लगे यानी कि 48 रन यहां से बन गए, 108 रन 22 गेंदों पर बनाए, बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेला। एक बार शुरुआत का जो स्ट्रगल के बाद 3 बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, जैसे मानो आपको बताया ना कि 3 बल्लेबाज पास और 3 बल्लेबाज फेल, उसमें 3 बल्लेबाज थे जिन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ अटैकिंग बैटिंग की और उसमें सबसे पहला नाम आता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत ने तूफानी 53 रन बनाए। ऋषभ पंत लंबे समय के बाद अपने ब्लू जर्सी में आए हैं और उन्होंने तूफानी 53 रन बनाए और मैं आपको बता दूं कि 32 गेंदों खेली, 4 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए, 166 के आसपास का स्ट्राइक रेट उस मैदान पे जहाँ पे गेंद रुक रुक करके आ रही थी। हार्दिक पांड्या ने भी तेज 40 रन बनाए। यार, हार्दिक पांड्या के साथ तो क्या नहीं हुआ, एमआई के प्लेयर ने धोखा दिया, उनके बाद वाइफ से डाइवोर्स की रूमर्स आए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप में कदम रखते ही पहले ही मैच में वार्म अप मैच में विस्फोटक 40 रन बनाए सिर्फ 23 गेंदों में, 4 सिक्स लगाए, 2 चौके लगाए और 174 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हार्दिक पांड्या का रहा। भारत की तरफ से इस मुकाबले में और बहुत अच्छे उन्होंने बैटिंग की। सूर्य कुमार यादव ने भी तेज 31 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव T20 के चैंपियन बल्लेबाज, नंबर 1 बल्लेबाज और उनका तो रन बनाना ही है। सिक्स एक भी नहीं लगाया लेकिन 4 चौके लगाए और 172 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि सूर्य कुमार यादव ने भी इस पारी में सभी को इम्प्रेस किया और उम्मीद है कि आगे चलकर वो हर मुकाबले में रन बनाएंगे। तो 3 पास हो गए लेकिन 3 बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया। जी हां, यह भी सच है कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ आपके 3 बल्लेबाज तो पास हो गए लेकिन 3 बल्लेबाज पूरी तरह से फेल हो गए। संजू सैमसन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और इनको राजस्थान रॉयल्स की पिंक जर्सी दे दो तो ये रन बनाते हैं, इंडियन टीम में ब्लू जर्सी जैसे ही पहनते हैं रन नहीं बनाते हैं। जीवन के इनके इतिहास का एक जो अगर रिफाइंड करना है तो संजू सैमसन को यही है कि राजस्थान के लिए खेलेंगे रन बनाएंगे, इंडियन टीम के लिए खेलेंगे रन नहीं बनाएंगे। शिवम दुबे ने 14 रन बना पाए। शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रन बना रहे थे लेकिन यहाँ पे आए तो सिर्फ 14 रन बना पाए। हालांकि उससे पहले उन्होंने जितने भी T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं वहाँ पे उनके रन आए हैं। शिवम ने बहुत अच्छे रन बनाया पिछले 1.5 सालों में जब भी उन्होंने इंडिया टीम के लिए T20 इंटरनेशनल खेला है। बात अगर रोहित शर्मा की करें तो मुश्किल से 23 रन जोड़े। रोहित शर्मा का तो जो स्ट्रगल है वो T20 क्रिकेट में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ी मुश्किल से 19 गेंदों पे 23 रन बनाए। वो 2023 वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें इंटेंट की बात हुई थी, कहा गया भाई का ये इंटेंट न IPL में दिखा न इस वार्म अप मैच में दिखा। बड़ी मुश्किल से शर्मा जी के 23 रन आए। अगर नीचे वाले बल्लेबाजों को रन नहीं आते तो यहाँ पे खत्म था मामला। हालांकि आप उम्मीद यही करेंगे कि भाई आगे आने वाले मैचों में जो भी बल्लेबाज फ्लॉप हुए हैं वो भी पास हो जाएंगे। हालांकि इसमें से बहुत क्लियर है कि संजू सैमसन बाहर जाएंगे और विराट कोहली इंडियन टीम में आएंगे और आपके यशस्वी जायसवाल को फिलहाल खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और अच्छा है ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव आपके 4 पे, फिर शिवम दुबे, फिर हार्दिक पांड्या, अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑल इन वन आपने अच्छी बल्लेबाजी की। जो प्लेयर रन नहीं बना पाए उम्मीद है कि आगे के मैचेस में रन बनाएंगे, लेकिन आपने जीत के साथ आगाज किया वह सबसे बड़ी बात है, एक प्लस पॉइंट है। और उम्मीद है कि इसी तरह इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप में आगे खेलती रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।